बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक और ज़बरदस्त जिगर की गर्माइश वाली सिरप के बारे में। आम अल्फाज में अगर SGPT हाई हो तो ये सिरप यूज़ करना चाहिए। इसका नाम है लिविजान सिरप। ये सामी कंपनी की प्रोडक्ट है। इसके इंग्रेडिएंट्स की तफसील में जाने से पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो करें, साथ में हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो लाइक और शेयर करें, शुक्रिया। इसका मेन इंग्रेडिएंट फार्मूला है आर्निथिन। ये एक अमाइनो एसिड है। ये अर्जिनिन से बनता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है और वाउंड हीलिंग इफेक्ट है इसका। ये दवाई जहरीली अमोनिया को गैर जहरीली यूरिया में तब्दील करते हैं जो गुर्दों के ज़रिए खारिज हो जाता है, जिससे जिगर को अपने मामूल के काम को आसानी से अंजाम देने में मदद मिलती है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। यह अमल खून में अमोनिया की बुलंद सतह को कम करता है। हाइपर अमोनिया, जो जिगर की ज़्यादातर बीमारियों में एक आम मसला है, L-aspartate जिगर की ख़राब खुलियों की तख्लीकिनों में मदद करता है, यानी जिगर की जो ख़राब खुलिय सेल्स होती है इसकी रीजनरेशन करता है। इसके अलावा ये दवाई शदीद और दायमी हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी और तमाम हेपेटोटॉक्सिक दवाइयों के साथ एक मुआविन इलाज के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तरीक़े इस्तेमाल इसका यह है कि बालिग अफराद 2 खाने के चमचे या 30 ml दिन में 2 बार या फिजिशन की मशवरे के मुताबिक, बच्चे 1 चाय का चम्मच या 5 ml दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एहतियाती तदाबीर, अगर गुर्दों के मरीज़ों में खून में यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन की बाकायदगी से निगरानी की जानी चाहिए इसके इस्तेमाल करने से पहले। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में मतली, कै, कांसी, पट्टों में दर्द, इसहाल वगैरह शामिल है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।